माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। सो लेट्स बिगिन विद अनदर डे। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं कुछ माल लेने के लिए। क्या हो गया? अच्छा, मे बी शायद गाइस हम कुछ सामान थोड़ने जा रहे हैं रिसेप्शन पे, देखते हैं कि बस पढ़ाई के लिए पढ़ा रहे हैं। गाइस रात में नींद काफ़ी अच्छी आई बिकॉज हम लोग बहुत थक चुके थे और रात में हम लोग ने काफ़ी लोगों को तंग भी किया। गाइस हम लोग सुबह सुबह आए थे यहाँ पे दुकान वगैरह देखने के लिए कि खुलती हैं कि नहीं खुलती हैं, बट खाने पीने की दुकानें तो सब खुल चुकी हैं, बाकी दुकानें भी बंद हैं और कुछ रिसेंटली खुल रही हैं। और तो अच्छा है यहाँ पे खाने पीने को एक्सप्लोर करने को, लाइक काफ़ी बढ़िया है। हम कचौड़ी देख के आए थे, फिर दाल कचौड़ी है, टमाटर के कोफ्ते वगैरह भी हैं। अगर मैं खाने जाऊँगा ही वैसे तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आप लोगों को। गाइस 8:30 बज चुके हैं, 8:25 हो रहे हैं और हम अभी अपने कमरे में जाएंगे और अगर स्विमिंग पूल साफ़ हो गया होगा तो नहा लूँगा मैं, अदरवाइज बाथरूम में नहा के रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके। बट लेट्स सी क्या होता है। एक्चुअली हम प्लान चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी जनता मेरी वो खड़ी है। जंतर मंतर का मतलब कोई मैजिक नहीं है, जंतर इंस्ट्रूमेंट्स होता है, मंतर कैलकुलेशन होता है उनका, गणित करना। जयपुर के राजा ने जंतर मंतर को बनाया 1728 में, आज से लगभग 300 साल पहले, जो खुद एक एस्ट्रोनॉमर थे, ज्योतिष थे। पूरे इंडिया में 5 ऑब्जर्वेटरीज, 5 जंतर मंतर बनाए। आपने सुना होगा फर्स्ट इन दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर, बट जयपुर का जंतर मंतर कम्प्लीट है वर्किंग में। बाकी जो 4 जगह के जंतर मंतर है राजा ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो कमियां आई वो इधर पूरी कर दी। इसीलिए जयपुर का जंतर मंतर 2010 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो साइट है यूनेस्को में, सब टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप लोग को सुनना है तो सुनिएगा, नहीं सुनना उसके बाद में आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। पहला इंस्ट्रूमेंट अपन लोग जो देखने जा रहे हैं वो सन डायल है, सूर्य घड़ी जिसे बोलते हैं, ये सन की पोजिशन से आपको टाइम बताएगा। बट ये जो टाइम बताएगा जयपुर का टाइम होगा, लोग दिखाएंगे। यहाँ पे जो स्मॉल लाइन है दिस इज फॉर 20 सेकेंड, जैसे मैंने बताया ये 20 सेकेंड का लाइन है, ये 1 मिनट्स का है, ये 5 मिनट्स का ब्लॉक है। अभी सनलाइट होगा तो इस रॉड का, इस बॉल का शैडो यहाँ गिरेगा, वेट करना पड़ेगा। आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर शैडो इस लाइन तक आ रहा है इन मॉर्निंग तो कैसे टाइम कैलकुलेट करेंगे? दिस इज द 8, 8, 5, 10, 15, 16, 17, 18, यानी कि जैसे 8, 18 बताएगा, इन फ्यूचर आप कभी भी आएंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो इसमें ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली अपनी वॉच का टाइम आएगा। रुकेंगे या देखेंगे आप? रुकेंगे। चलो यहाँ पे कह रहा है दिस इज 11, 15, 30, 35, 40 और 1, 11:41 बता रहा है ये। ओके, जिन्होंने देख लिया वो थोड़ा साइड में जाए, पीछे वाले को देख लेना। 11:41 हो रहा है ये 11 है, 15, 30, 35, 41, 11:41 में कितना ऐड करेंगे आप? 34 मिनट्स, तो 41 और 34 कितना हो गया? 12:15, चेक कर लीजिए, 12:15 आपकी वॉच का टाइम होगा। यस, इट्स करेक्ट। अगर आपकी घड़ी 12:15 बता रही है, राइट टाइम है, विदाउट सन नो फंक्शन, सनलाइट नहीं होगा नहीं काम करेगा। ओके, इस तरह टाइम बताता है। शैडो से दिख रहा है। आगे की लाइन में टेलीस्कोप के स्टार का नाम इंडिकेट होगा, क्योंकि नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो सामने टेलीस्कोप के उसका नाम इंडिकेट होगा,
पीछे कोने पे उसका डिग्री होगा कि वो जयपुर से किस एंगल कितनी पोजीशन पे। और अभी भी जो एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट होते हैं वो नाइट में आते हैं, सब प्रैक्टिकल में करते हैं। ये स्कूल एस्ट्रोनॉमी का एक्टिविटी जो मॉडल्स है ये फाइनल है, पहले मॉडल बनाया स्टडी किया फिर फाइनल किया। देखा था वो भी सनडायल था, दिस इज आल्सो सनडायल, ये भी सन क्लॉक है। पूरी क्लॉक आपको डे और नाइट दोनों का टाइम बताएगा, दिन में सन रात में मून लाइट्स पे काम करेगा। टाइमिंग इधर है 12:01, बीच में जो रॉड है इसकी शैडो से टाइम, लेकिन अभी शैडो से ऊपर है क्योंकि शैडो के ऊपर जाएंगे आप राइट कोने पे, देखो वहाँ पे कुछ ग्रीन लिखा है राइट कोने पे शैडो के शैडो वाली तरफ, बीच का वाला पेसेस तो अभी पेसेस चल रहा है, जब ये शैडो व्हाइट मार्बल से नीचे चला जाएगा। तो गाइज मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सनडायल, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वो आप देख रहे हो येलो वाला, हाँ वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सनडायल है। पहले एक ये वाला बनवाया गया था और फिर उसके बाद अभी उसके बाद वो वाला बनवाया गया है, सबसे बड़ा है। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे जियोडिक साइन वगैरह, जैसे आजकल लोग अपना हॉरोस्कोप वगैरह देखते हैं, पुराने ज़माने में भी चीज़ें थी वो यहाँ बताई गई। तो गाइज ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सनडायल, आकाश राय ने बनवाया था पल्लवी के लिए। तो गाइस आज जंतर मंतर का टूर पूरा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं हवा महल की ओर। बाकी लोग सब पहुंच चुके हैं, इस लड़के के चक्कर में वीडियो बनाने के चक्कर में लेट हो गए हम लोग। यार हम तो की कॉल्स आ रही हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ।